हेलो, वहाँ जाके लेके आई हूँ मैं अपना प्लेट। हाँ, नहीं तो फिर किसी को चले जाता है। ये मस्त ऐसे अंदर सत्तू भरा हुआ है एंड काफी मस्त है, सॉफ्ट एकदम, घी वाली खुशबू आ रही है दोस्तों। और ये मस्त चौके में लगाया, इतनी तीखा वाला। हाँ, गर्म है ना थोड़ा। कैसा है? मस्त है, चटपटा तीखा। भाई तो तेलो बना शायद। अच्छा, ये क्या हो गया अम्म के साथ? दोस्तों, दिन की जो है शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और ये बन रहा है अम्मू का फेवरेट ब्रेकफास्ट, टोमेटो एग ऑमलेट। इसकी अगर रेसिपी चाहिए ना तो जरूर बताना, बिकॉज ये बहुत टेस्टी लगता है। बनने के बाद मैं दिखाती हूँ कैसा लगता है। और ये रहा मेरा अम्मू जो कि देख रहा है हमारा वीडियो। प्लीज जाके जरूर देखना, बहुत ही मजेदार वीडियो है, बहुत हंसी आएगी आपको। हमने बहुत एंजॉय किया है। क्या एंजॉय किया है अभी देख रहा हूँ, मेरे को कितना तुमने डिस्टर्ब किया है। नहीं तो मैं जीतता था वो चैलेंज। वैसे मैं ही जीता हूँ, बट मैं वो सेकंड राउंड जो तुम जीती ना वो भी मैं जीतता था। बीच बीच में हाथ डाल रही हो, ये रगड़ा ज्यादा लो, ये लो, कितना डिस्टर्ब किया तुमने मेरे को। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लो ये वीडियो और आप लोग खुद ही बता दो, ये मुझे बहुत इल्जाम पे इल्जाम लगा रहा है। वैसे ओवरऑल एवरीथिंग इज फेयर इन लव इन वॉर। ओ देखो, ओ माय गॉड, ये कौन सा स्टाइल है? कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों ये ऑमलेट। दोस्तों यहाँ बन चुका है अम्मू का ब्रेकफास्ट, मजेदार लग रहा है ना, और वहाँ पे मेरा बन रहा है। लो जी लो, आज इस वीडियो में आप खाना ही खाना देखने वाले हो। थैंक यू सो मच। क्या फेवरेट? मैं बोलता हूँ आलू का मस्त मैश कुछ बनाते हैं। ओके, बाकी जो पानी बचा है ना पानी पूरी का वो भी खा लेते हैं, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो 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 काम करके आते हैं। नई शुरुआत, कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द जिंगार गर्ल व्लॉग्स पे। आशा करती हूँ कि आप लोग ठनाठन होंगे। मैं तो एकदम 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 ही ज्यादा मस्त हूँ। तो मैं जो है तैयार हो चुकी हूँ और अम्मू भी तैयार हो चुका है। तो मेरी लिपस्टिक वो कर रहे थे, मिटा रहे थे ना। ऐसा करना, ऐसा नजर ना लगे किसी को। अच्छा, आज हम जा रहे हैं मीरा रोड। पहले हमारा काम है कि हम अपने फ्रेंड से मिलेंगे, वहाँ पे शायद हम कुछ खास शूट नहीं कर पाएंगे या शायद नहीं कर पाएंगे। सबकी अलग अलग प्राइवेसी कर लेंगे। हाँ, सबकी अलग अलग प्राइवेसी रहती है। लेकिन हम इसके पहले मीरा रोड गए थे जहाँ मतलब व्लॉग्स वगैरह बनाया हमने, तो वहाँ पे ना स्टेशन के पास में ऐसे देखा है हमने, थोड़ा स्ट्रीट फूड ना लगा हुआ रहता है। मीरा रोड तो फेमस है खाने के लिए। हाँ, खाने के लिए तो फेमस है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए भी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन स्टेशन के पास में ही हम जाने वाले, तो वहीं पे थोड़ा सा ऐसा लगता है खाने पीने का आइटम। वहाँ पे मैंने देखा था लिट्टी चोखा। तो मैंने ना कभी खाया नहीं है बचपन में, बहुत एकदम मैं छोटी थी तभी शायद से ऐसे किसी आंटी ने घर में बनाया था तो खाया था। वो दाल बाटी था शायद से, लिट्टी चोखा भी नहीं। दाल बाटी एमपी का डिश है, लिट्टी चोखा यूपी बिहार का डिश है। हाँ, तो हम मेरे को ट्राई करना है लिट्टी चोखा, देखते कैसा निकलता है। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वहाँ का अच्छा होगा नहीं होगा। जो भी होगा जैसा भी होगा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। बस मजा आने वाला, कुछ नई चीज मैं ट्राई करने जा रही हूँ, है ना? मैं तो बहुत दिनों बाद खाऊंगा शायद, या सालों बाद, दिन बोल रहा हूँ। और अम्मू इसलिए इतना दिख रहा है बिकॉज आज है अम्मू का ऑफिस, मतलब आज काम करेगा मेरा बंदा लेकिन घर से करेगा, बिकॉज कल दो दिन की छुट्टी हो चुकी है अम्मू की। अभी सैटरडे संडे जो है घर से काम। मजे है, मजे है, कुछ मजे नहीं है दोस्तों, बहुत काम करा था। आप लोगों को नहीं पता है ये मैं चुपके से बोल रही हूँ। लड़के को इसे पानी पीने के लिए ना बोला तो ये मुंह बना रही है। इतना पानी पीती रहती है, मतलब घर से निकलने पे पानी, घर पे आने पे पानी, मतलब पानी पानी पानी। पानी कौन पीता है? पानी सिर्फ पौधों के लिए, हम सिर्फ बियर पीते हैं। सेव वाटर ड्रिंक बियर, दैट्स आवर मोटो। मैं बोला अभी खाने वाले हैं अपन, इतना नाश्ता किया है तो थोड़ा पानी कम पियो, फिर सुसु लग जाएगी तो मुंह बनाई है। हमारी बात में एक पॉइंट है, लेकिन तमेरे मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं। तो मैं बोला पी लो पानी, पी लो। बहुत चिल्लाता है दोस्तों मेरे को, ये सास है, ये सास। लोगों को सच में लगेगा चिल्लाते हो तुम।
जितना प्यार करते हो उससे ज्यादा थोड़ा चिल्लाते हो। अच्छा अच्छा एक्टिंग आओ जी, एक्टिंग के बादशाह हो तुसी। तो दोस्तों हम अपने फ्रेंड से मिल चुके हैं, अब जा रहे हैं हम स्टेशन खाने। तो अब उनके घर में भी कोई पानी पूछेगा तो पानी पीऊंगी ना दोस्तों मैं। तो सिर्फ पानी पियोगे, बोल देने का चाय बना दो। चाय नहीं पीना था दोस्तों, चाय नहीं पीना। चाय तो कभी भी पी सकते हैं ना। पीऊंगी मैं। ओके तो दोस्तों अम्मू के साथ में स्कूटी पे घूमने का मजा ही कुछ और है। और जो जो हम बचपन से सुनते आए थे ना जगह कि मीरा रोड, नाला सोपारा, ये सब कुछ एकदम बंजर है, ऐसा है वैसा है, अभी देख के पता चलता है यार कितना चेंज हो चुका है सब कुछ। दोस्तों पहुंच गए हम मीरा रोड स्टेशन, और ये रहा मीरा रोड स्टेशन। काफ़ी बड़ा है, एकदम मस्त है। आई थिंक ये शेयरिंग ऑटो वगैरह है यहाँ पे, एंड यहाँ से ना लाइन से लगता है खाने के लिए। देखो शॉपिंग वॉपिंग भी चल रही है इधर सामने, देखो गूटी सोडा। तो अम्मू वहाँ पे खड़ा है क्योंकि पार्किंग की है गाड़ी की, और मैंने सोचा आप लोगों को एक बता दूँ क्या क्या चीज़ें मिल रही है यहाँ पे। देखो शॉर्मा है, मोमोज, और यहाँ पे भी कुछ मिल रहा है, अंडे वंडे वाला आइटम, चाट है, और ये सारा कुछ कबाब पाव एंड ऑल ये सब कुछ मिल रहा है। और ये है लिट्टी चोखा, और यहाँ पे नागौरी भी है, और ये है अमू यहाँ पे वेट कर रहा है। और हम हाँ यार काफ़ी लोग हैं सच में भी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने लोग भी होंगे। बाकी दिख तो मज़ेदार रहा है। दो प्लेट देना, कैसे 20 रुपए प्लेट ना। तो दोस्तों घी वाला खाते तो 25 है, सादा 20 है, हम घी वाला ही खाएंगे। घी वगैरह डाल के खाओ तो ही मजा आता है। तो दोस्तों आ गया अपना एक प्लेट लिट्टी चोखा, दूसरा अभी बन रहा है। दिखने में ही कितना मस्त लग रहा है, 25 रुपए में सोचो इतना अच्छा खाना है ना, मतलब हेल्दी तो बोल ही सकते हो। हाँ, पाव से तो अच्छा होता है ना, जो हम पाव वाले आइटम खाते हैं। देख के मस्त लग रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है। लिट्टी दिए दो, घी वाला 25 रुपए, सादा लोगे 20, और मस्त चोखा है, चटनी है और कांदा है। खुशबू बहुत मस्त आ रही है एकदम घी वाली। गरम है, तुमको खिलाऊं? नहीं तुम खाओ। कैसा है, मस्त है, चटपटा तीखा। भाई तो तेल में बना है। अच्छा चौका वैसे चलो मेरा भी आए जल्दी। I can't wait। बन रहा है और खत्म भी हो रहा है फटाफट, बिकॉज बहुत सारे लोग खा रहे हैं यार। सही है, अच्छा है। नहीं नहीं तुम खाओ, नहीं तुम खाओ। अरे खा लो दोस्तों। नहीं नहीं दोस्तों, ये क्या करता है पता है, ऐसे ही अपने में से खिला देगा थोड़ा सा, और फिर बोलेगा कि मेरे इसमें से तूने खाया था ना, और फिर मेरे इसमें से वो पूरा खाएगा। ठीक है तो आज अपन अपने अपने में से ही खाएंगे। नहीं मेरे में बचेगा तो तुम खा लेना। खुद नहीं खाते हो, मुझे देते हो, मुझे खिला खिला के मोटा कर दिया। नहीं दोस्तों ये तो मेरा प्यार है, और दूसरी चीज देखो कितने बार बोलूं, जाएगा ना थोड़ा ज्यादा फ्यूल। तो कितने लोग खा रहे हो? मजा आया एक्चुअली। दूसरा बाइट अरे मस्त है। ये लोगों को पता होगा नागौरी उस्मानिया जो चाय सेंटर है ना मीरा रोड स्टेशन के, उसका एग्जैक्ट सामने है। मेरा नंबर कब आएगा? एक बार हम ना घर में भी ट्राई करेंगे बनाने का। हाँ मजा आएगा। इंतजार गर्म रहेगा ना, ये ठंडा हो गया होगा दोस्तों, गर्म वाला खाऊंगी मैं। दोस्तों ऐसे क्यों होता है, चलो कोई नहीं तुम ही खिला दो। ज्यादा तीखा नहीं है, बराबर है एकदम, मतलब आप खा सकते हो जितना चाहो। मजा आ रही है, अच्छा है। चलो शायद फाइनली मेरा भी आ जाएगा, इंतजार कर लेते हो थोड़ा सा। खा लो और खा लो। नो
नहीं 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 अपने में से खाओगे क्या? इसका प्लान है दोस्तों मेरे में से खाने का। और एक प्लेट ले लो। ओ भाई और एक प्लेट, तुम्हारा नाम पता है क्या रखना चाहिए? और एक प्लेट। हाँ रे, मैं कहीं पे भी डबल तो खाते ही हूँ। हाँ तुम्हारा नाम अब से और एक प्लेट। एक्स्ट्रा प्लेट। और एक प्लेट। और एक प्लेट थोड़ा अच्छा साउंड करता है। तो आप कमेंट करके बताओ अम्मू का नाम क्या रखना चाहिए, एक्स्ट्रा प्लेट या और एक प्लेट? तुम हावड़ा ही बता रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, हावड़ा वावड़ा नहीं होता है, इतना सा खाते हो। वैसे भी ब्रेकफास्ट किया था, लंच करते हो नहीं तुम बाकी लोगों की तरह, तो ऑफकोर्स थोड़ा तो एक्स्ट्रा जाएगा ना इंसान में। जो एक्स्ट्रा जाता भी है ना, ये ऑब्वियसली अम्मू जब साथ में होता है, ब्लॉक करते हैं, हम साथ में घूमते हैं, तभी होता है। अदरवाइज वही ब्रेकफास्ट और फिर सीधा डिनर। रात को मैं दाल चावल ही खाता हूँ। अच्छा, मैं तुमको दाल चावल देती हूँ। हेलो, वहाँ जाके लेके आई हूँ मैं अपना प्लेट। हाँ नहीं तो फिर किसी को चले जाता। गए बार भी मेरा वाला किसी और को चला गया था दोस्तों। मेरा और एक प्लेट आ गया। और एक प्लेट आ गया। और नहीं, और एक प्लेट। और एक प्लेट दोस्तों, मैं तो इसका एक्स्ट्रा प्लेट आ गया। और बोलता हूँ ये मस्त ऐसे अंदर सत्तू भरा हुआ है एंड काफी मस्त है, सॉफ्ट एकदम घी वाली खुशबू आ रही है दोस्तों। और ये मस्त चौके में लगाया और ये लिया थोड़ा सा चटनी तीखा वाला। हाँ गर्म है ना थोड़ा, और हो गया मोमो। अच्छा है ना दोस्तों, कल का पानी पूरी इतना तीखा था, खा के इंसान का पेट नहीं भरा है। मिर्ची दे दो दे दो दे दो मिर्ची। इसके साथ मिर्ची अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये इसमें खा लेंगे, इसमें खा लेंगे, ये है ना इसी में खा लेंगे। थैंक यू। बहुत बड़ी मिर्ची दे दी थी। चोर मिर्ची, चोर मिर्ची, चोर। आ गया दोस्तों, बहुत सूदिंग था और बहुत अच्छा था टेस्ट है। तो दोस्तों इस लड़की को ध्यान से देखो, अभी तक मेरी मिर्ची रिटर्न नहीं की है इसने। मिर्ची छुप गई है दोस्तों, मिर्ची के साथ सच में अच्छा लग रहा है, तुम भी ट्राई करो। मैं इसीलिए तुमको बोला अच्छा लगेगा। नहीं, हिंदुस्तान का कल्चर, अपने इंडिया का कल्चर खाने में, पहनावे में, घूमने में, जगह में, ये सब चीज़ों में निकल के आता है, दिखता है। तो अगर ये सारी चीज़ें जब मेरे मुंबई में मिल जाती है तो क्यों ऐसे छोड़ दें, है ना? पहले ये सब नहीं दिखता था, अभी शायद कोविड के बाद से ना ये लिट्टी चोखा वगैरह जो है मुंबई में आजकल बहुत ऐसे स्ट्रीट्स पे दिखने लग गया है। तो आपने अगर मुंबई में कहीं पर ट्राई किया है तो कमेंट करके बताओ कहाँ पर ट्राई किया है। दोस्तों मजेदार लिट्टी चोखा खा के मजा आ गया है। थोड़ा सा बताते हैं आपको, चोखा किस चीज़ का बना है? आलू बैंगन टमाटर। आलू बैंगन टमाटर, अच्छा। और ये चटनी कोतिंबीर वाली चटनी है, मज़ेदार, बहुत मस्त बनाया था। कब से लगा रहे हो आप लोग? एक साल हो गया। अच्छा, कितने बजे लगाते हो? सुबह 8 बजे से रात तक? अरे वाह, सही है। मतलब मस्त एकदम आपका खाना हो, नाश्ता हो, सारा कुछ हो जाता है 20 रुपये और 25 रुपये में। बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी, मज़ा आ गया खा के। थैंक यू सो मच, बहुत टेस्टी था, अच्छा लगा। हाँ एकदम बराबर बोला, बराबर था, ज़्यादा तीखा भी नहीं और ज़्यादा वैसा भी नहीं, अच्छा लगा खा के। ये बहुत सारे लोग खाते हैं, रशियन कबाब एंड ऑल। वैसे यहाँ पे ये भी मिल रहा है चाइनीज़ वाला आइटम, और चाट भी है जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, और वहाँ पे मोमोज मिल रहा है, मोमोज है, शॉर्मा है, जलजीरा, देखो गोटी सोडा है, गोटी सोडा पीते हैं। एक गोटी सोडा देना। ये पाइनएप्पल है, ब्लूबेरी है, फ्रूट भी है।
गावा, कच्ची चेरी, ऑरेंज, काला खट्टा, जीरा मसाला। मस्त। कौन सा पीना है? जीरा मसाला। अच्छा ये भी तुम्हारी है, वो भी तुम्हारा ही है। हो 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 हो। ये क्या हो गया? अम्मू के साथ। एकदम ठंडगार। यार इधर मीरा रोड में कितनी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम पिया है गोटी सोडा। देखो गोटी है दोस्तों इसमें। पियो पियो पियो, गिरेगा गिरेगा गिरेगा। ये काला का सीन है साला। मीरा रोड के अलावा जल्दी कहीं मिले? हाँ नहीं दिखा है कहीं, यही दिख रहा है। हाँ, हमको तो यही दिख रहा है। अच्छा तुम्हारा दो प्लेट लिट्टी चोखी हजम हुआ? हाँ, हो गया हो गया। गुड, थैंक यू, बहुत मजेदार था। सो दोस्तों खा के और मस्त गोटी सोडा पी के जो है हम निकल चुके हैं। अभी ट्रैफिक मजबूत मिलने वाला है, शायद 1-1.5 घंटा लगेगा अपने को घर पहुँचने के लिए। तो सीधा मैं जो है पहुँच के आप लोगों को मिलती हूँ, बाय। तो दोस्तों घर आ चुके थे, उसके बाद में फ्रेश होके ये जो कल का जो ताम जाम था ना, जो बचा हुआ था पानी, तो जाके मैंने पूरी लाया और मस्त आलू बनाया है। आलू देखो कितना मस्त बनाया है, एकदम चोके टाइप लग रहा है। एंड ये पूरी मैंने अलग से लाया था और पानी का टेस्ट उतरा नहीं है, वैसे का वैसा ही टेस्टी लग रहा है एकदम। तो जाओ हमारा पानी पूरी चैलेंज वाला वीडियो अब भी देखो, जिसमें मैंने इस इंसान को हराया है, मारे हस्बैंड मारे पति को हराया है। और बन रहा है बहुत ही मस्त पुलाव, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलो ये खा लेते हैं, वो शायद हम पता नहीं सुबह ही खाए या जो भी, हमारा कुछ टाइम वाइम कुछ वो नहीं रहता है। सो दोस्तों बड़ा ही टेस्टी सा मैंने चिकन पुलाव बनाया है और इसकी खुशबू क्या लाजवाब आ रही है, वाओ। सो देखा दोस्तों कितना टेस्टी पुलाव बना है। आज का व्लॉग पूरा ना बस खाने खाने में ही गया ऐसा लग रहा है मुझे, पर चलो कोई बात नहीं, मजा आया, कुछ नई चीज हमने ट्राई की, लिट्टी चोखा एंड घर में आके वो कल का भी जो बचा हुआ पानी पूरी था वो भी हमने कंप्लीट किया। अब मैं लगूंगी अपने एडिटिंग के लिए एंड कल कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने जाएंगे, मजा आ रहा है। कुछ भी है दिमाग में, दिल में, बस ऐसे कमेंट में यार बहा दो थोड़ा सा, है ना। तो किसी को जैसे वीडियो पसंद आया होगा, जिंगार डल की सेवाएं जारी रखनी है तो लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, बाय।